हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। यह है दोस्तों मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर अर्बन एसयूवी इग्निस का जेटा एएमटी वेरिएंट, जो कि सिटी पर्पस के लिए बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन रहने वाली है। इसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा। लोग अक्सर इस एसयूवी को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ये है, यानी कि जो लोग इसे ओन करते हैं, वो इसके तारीफ करते नहीं थकते दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन, डायनेमिक्स से साथ लैस है। चलिए अब बात करते हैं इस वेरियंट में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे हेडलैम्प यूनिट की। तो इस वेरियंट में DRL आपको नहीं मिलते हैं। एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ। हेलोजन बल्ब, हाई बीम, लो बीम, टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो काफ़ी अमेजिंग यू शेप्ड आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है। बीच में सुजुकी का लोगो, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफ़ी एनहांस कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया है फॉग लैम्प, जो कि हेलोजन बल्ब के रूप में है। स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सेटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है, एडम ब्लैक कलर में। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अमेजिंग स्टनिंग। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। सस्पेंशन फ्रंट में मैक प्रशन स्ट्रट, रियर में आपको टोर्जन बीम दिया गया है। 15 इंच की ब्लैक अलॉय व्हील दिया गया है। व्हील साइज है 175/65R15। ORBM की बात करें तो बॉडी कलर ORBM दिया गया है टोन इंडिकेटर के साथ, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल भी है। फ्रंट में आपको नॉर्मल वाइपर दिया गया है। रूफ रेल प्रोवाइड किया गया है सिल्वर फिनिश में, जो कि काफ़ी शानदार लग रहे हैं। और इस SUV के जो A पिलर है, B पिलर है और सेमी आपको C पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे बॉडी कलर में अवेलेबल कराया गया है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं। साइड एंड रियर प्रोफाइल में कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया गया है, जो कि इसे काफ़ी ज़बरदस्त लुक प्रदान करते हैं। वहीं रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एंटीना प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर अवेलेबल कराए गए हैं। और यहां पे दिया गया है बीच में नेक्सा की ब्रांडिंग, क्योंकि ये नेक्सा शोरूम में बिकती है दोस्तों। और वहीं टेल लैम्प यूनिट काफ़ी अमेजिंग प्रोवाइड किया गया है। इग्निस की बैजिंग, बीच में सुजुकी का लोगो, जैसे कि आप यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा इसका टेल लैम्प यूनिट नंबर प्लेट की जगह। और रियर बम्पर आपको बॉडी कलर में, दोनों रिफ्लेक्टर्स दिए गए, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। स्किड प्लेट सैटन सिल्वर पर प्रोवाइड किया गया है। रियर प्रोफाइल थोड़ा सा डिज़ाइन इसका लोगों को पसंद नहीं आता, इम्प्रूव करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो यहाँ पे कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर। और यहाँ पर ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन और ग्रैब हैंडल पर जो ये सैटन सिल्वर फिनिश दिया गया, वो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल और डोर लॉक पे क्रोम फिनिश दिया गया है। नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर आते हैं इस वेरिएंट में। डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रीमियम आपको दिया गया है ड्यूल टोन में। स्लीक डिज़ाइन में AC वेंट और AC वेंट के चारों ओर आपको यहाँ पे दिया गया क्रोम फिनिश। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेबलर का बटन दिया गया है। नीचे डेड पेडल दिया गया है। और यहाँ पे फैब्रिक अपोस्टी आता है, लेदर अपोस्टी एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। इग्निस की ब्रांडिंग आपको दिया गया है यहाँ पे। और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है कुछ इस तरह। और चलिए अब अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टोरेजेस। और ब्लैक फिनिश में आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। और ये AMT गियर बॉक्स बहुत ही शानदार, अमेजिंग 5-स्पीड AMT गियर बॉक्स दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में। और 2 कप होल्डर दिया गया आगे, और मोबाइल वगैरह रखने की जगह। 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है, हजार लैम्प और 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ इस तरह दिया गया है। स्पीडोमीटर, RPM मीटर और MID की कॉम्बिनेशन। 3 स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। और यहाँ पे सेटिन सिल्वर फिनिश। लेफ्ट साइड से चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है लेफ्ट साइड भी। और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट लेफ्ट साइड से भी चेकआउट कीजिएगा। और ग्लोव बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है कुछ इस तरह। और यहाँ पे रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पावर विंडो के कंट्रोल, वाइट इंसर्ट्स दिए गए हैं, क्रोम फिनिश दिया गया है, डोर लॉक भी, नीचे बोटो होल्डर और स्पीकर दिया गया है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का स्पेस, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। ये जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट दिया गया है, जिससे आप इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और यहाँ पे 2 जने आराम से बैठ सकते हैं, बीच में आप छोटे बच्चे को बैठा सकते हैं।
और चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह रहने वाली है। रियर एसीवेंट आपको नहीं मिलता है। और इसके अलावा बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, ओपन करते ही 260 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, कुछ इस तरह का स्पेस, जस्ट इसके नीचे स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है। और यहाँ पे बूट लैम्प दिया गया है जिसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि मुझे बढ़िया फीचर लगा दोस्तों। और ग्रैब हैंडल दिया गया है, इनर साइड ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं। जहाँ तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर फोर सिलेंडर VVT पेट्रोल इंजन, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो कि 82 BHP की पावर एंड 113 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो AMT वेरिएंट में आपको 20.89 KMPL की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS/DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट, ALR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, प्रिटेशनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेप डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इंजन चेकिंग वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।